हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन करेंगे बहुत छोटा सा जल्दी से, जो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया लेकिन स्टिल मिस्टेक तो करना ही आपको, राइट? तो जस्ट देख लो जल्दी से, ये 6 माइक्रोफेरेड है, 4 माइक्रो, ऐसे ही बहुत सिंपल से सर्किट देखिए, आपको किसी में चार्ज पूछ सकते हैं, पोटेंशियल पूछ सकते हैं, राइट? तो इसमें पूछा है 4 माइक्रोफेरेड वाले में कितना पूछा है कैपेसिटर चार्ज पूछा है, राइट? अब एक बात बताओ, ये कैसे देखते हो आप, पैरेलल और सीरीज? सीरीज में चार्ज सेम रहता है और कनेक्शन देखा करो, इधर प्लस वाले साइड से ये जुड़ा है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस वाले साइड से जुड़ा है, ये माइनस और ये प्लस, एक का देखा करो दूसरे का प्लस दे दिया करो, ये वाला भी माइनस वाले साइड से जुड़ा है, ये प्लस वाले साइड से, कभी भी ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे जरूर किया करो, ठीक है? तभी क्लियरली पता होगा सीरीज में है या पैरेलल में। ये दोनों देखो, जब भी दो कैपेसिटर प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस वाला एक साथ कनेक्टेड होता है, माइनस माइनस वाला एक साथ कनेक्टेड होता है, उसको पैरेलल में हो जाता है। सीरीज में प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस जब कनेक्टेड होता है तब वो सीरीज में कैपेसिटर हो जाता है, ठीक है? ऑलराइट, नाउ दिख रहा है इसमें सीधा सीधा 4 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड दोनों पैरेलल में है, तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? यहां पे उनका इक्विवेलेंट आ गया 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है? हमें निकालना क्या है, इसमें 4 माइक्रोफेरेड में चार्ज निकालना है, राइट? चार्ज चार्ज निकालने के लिए हमें उसमें पोटेंशियल देखना पड़ेगा, वोल्टेज देखना पड़ेगा कितना है, राइट? यहां पे ये 6 माइक्रोफेरेड ऑलरेडी है और ये 12 वोल्ट की बैटरी। एक बार बताओ, अब फिर से ये माइनस प्लस प्लस माइनस, ये दोनों सीरीज में है लेकिन वहां तक जाना नहीं है, सी इक्विवेलेंट निकालना ही नहीं यहाँ पे, बट निकाल सकते हो आप, राइट? सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 और 6, ठीक है? अब एक बार बताओ, यहाँ पे चार्ज क्या कहते हैं, यहाँ पे जो चार्ज होगा, चलो निकाल लेते हैं सी इक्विवेलेंट, अगर आप कितना आ जाएगा 6 और 6 का बताओ। सी इक्विवेलेंट होता है सीरीज में C1C2 + C1 + C2, 6 × 6 upon 6 + 6, कितना आ जाएगा 6 + 6 = 12, और ये आ जाएगा 3, ठीक है? 3 माइक्रोफेरेड। तो चार्ज कितना आ गया, सी इक्विवेलेंट यहां से कितना आ गया 3 माइक्रोफेरेड और ये 12 वोल्ट, ठीक है? तो यहां से चार्ज कितना आ गया 12 upon Q = CV, तो 12 × 3 = 36 36 माइक्रो कूलम, राइट? अब देखो ये नेट चार्ज आया है तो ये ऑप्शन मत लगा देना, ठीक है? नेट चार्ज है 36 माइक्रो कूलम। अब देखो जो चार्ज ये है वो इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में है, ऐसे ही सर्किट बना के फिर आपको रिवर्स जाना है, ठीक है? जहां भी दो सीरीज में रहे उनको चार्ज सेम देते जाओ, जहां भी दो पैरेलल रहे उनको वोल्टेज सेम देते जाओ, ठीक है? दिस शुड बी योर प्रिंसिपल फॉर डूइंग क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, 36 यहां पे भी चार्ज कितना हो जाएगा 36 माइक्रो कूलम, यहां पे कितना हो जाएगा चार्ज, लेट से ये Q1 ले लो, ये Q2 ले लो, इट्स टू कोल्ड, राइट? सो Q2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 माइक्रो कूलम, ओके? अब देखो यहां से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? यू वॉन्ट पोटेंशियल, यू वॉन्ट वोल्टेज फॉर दिस कैपेसिटर। यहां पे वोल्टेज कितना आ जाएगा V2, बताओ V2 आ जाएगा Q upon C, राइट? Q कितना है 36 और इसका कैपेसिटेंस कितना है 6, कितना आया 6 वोल्ट। यहां पे डायरेक्टली कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, यहाँ 6 माइक्रोफेरेड है, यहाँ 6 माइक्रोफेरेड है, वोल्टेज 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, आधा आधा पोटेंशियल दोनों पे हो जाएगा, क्यों? C1 C2 बराबर है, वो कॉमन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला, C1V1 upon C1V1 + C2V2 + C1 + C2, यू कैन वॉच माई प्रीवियस लेक्चर फॉर दैट, प्रीवियस क्वेश्चन और लेक्चर, व्हाटएवर। सो 6 वोल्ट आ गया ना यहाँ पे, 6 माइक्रोफेरेड में कितना आ गया 6 वोल्ट। अब जैसा कि मैंने कहा, अगर सीरीज में है तो चार्ज सेम देते जाओ रिवर्स ऑर्डर में, सर्किट पे जाते जाओ, अगर पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम देते जाओ। तो ये 6 माइक्रोफेरेड किन किन कैपेसिटर से बना है, विच कैपेसिटर्स दिस 6 माइक्रोफेरेड मेड अप ऑफ, ये 6 माइक्रोफेरेड इज मेड अप ऑफ 4 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड और बोथ आर इन पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल में है तो मैंने क्या सेम देने को बोला है, 6 वोल्ट,
वोल्टेज सेम देने को बोला है, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 वोल्ट और यहाँ पे कितना आया 6 वोल्ट। अब आप किसी में भी चार्ज पोटेंशियल कुछ भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड में, क्यू डैश मान लो इसको, सी वी, सी कितना है 4, वोल्टेज कितना है 6, 4 इंटू 6 कितना आ गया 24, क्योंकि ये माइक्रोफेरेड में है तो माइक्रो कूलम में आ जाएगा, माइक्रो कूलम को कूलम में कर सकते हो, 24 इंटू 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। तो कौन आया सी ऑप्शन, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड थैंक यू।